हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 64th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारे पास एक नया चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, ठीक है? तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, मींस हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, तो एक जगह से हमने इंफॉर्मेशन को सेंड किया, एक जगह इंफॉर्मेशन को हमने रिसीव किया। ठीक है, हमने फोन कॉल किया अपने फ्रेंड को, तो मतलब हमने यहां से फोन किया, मतलब इंफॉर्मेशन को हम यहां से सेंड कर रहे हैं। हमारा जो फ्रेंड है वो कॉल रिसीव कर रहा है। ठीक है, वो मतलब कि वो वहां पर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हमने अभी दिया वो उसको रिसीव कर रहा है। ये सब जो प्रोसेस है ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम के थ्रू है इसको हम जनरली यहां पर स्टडी करेंगे। तो यहां पर लाइक बोर्ड्स में तुम्हारे पास यहां पे क्वेश्चंस होता है कम्युनिकेशन सिस्टम से, मोस्टली 3 to 4 मार्क्स में। जनरली यहां पर तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में वो तुम्हारे पास हो सकते हैं लाइक डिफरेंट वेव्स में, कि पर्टिकुलर सिस्टम को बताओ, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका एक डायग्राम बताओ। ठीक है, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे लाइक यहां पर क्वेश्चंस हो सकते हैं छोटे छोटे, लाइक कि डिफाइंस करो इन पर्टिकुलर टर्म्स को। फिर हम बाद में प्रोपगेशन स्टडी करेंगे डिफरेंट वेव्स के थ्रू, उनको भी यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इसको जनरली स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए फर्स्ट एक ब्लॉक डायग्राम बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताना है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमें सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो इस ब्लॉक डायग्राम को जनरली हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास मोस्टली कुछ पार्ट्स होंगे जो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, फिर हमारे पास कुछ पार्ट्स होंगे जहां से इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं। तो उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम को बनाना है। तो हमारे पास ये डायग्राम है। फर्स्ट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये हमारे पास हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स। इस इंफॉर्मेशन सोर्स के थ्रू हमने अपने सिग्नल को सेंड कर दिया। ये हमारे पास हो गया मैसेज सिग्नल और ये मैसेज सिग्नल हमारे पास चला गया ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर, अब हमारे पास यहां पे एक चैनल है और ये फ्लो कर रहा है फर्दर। और चैनल जब ये ट्रांसमिट करेंगे हम सिग्नल्स को, तो सिग्नल में अनवांटेड नॉइस भी हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास कुछ नॉइस है जब सिग्नल चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिसीवर जो कि रिसीव कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को। तो हमारे पास ये हो गया रिसीवर और फिर से जो मैसेज सिग्नल है हमारे पास, ये मैसेज सिग्नल हो गया कोई भी यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास फिर से मैसेज सिग्नल फॉर द यूजर्स इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास यूजर है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। तो हमारे पास ये हो गया ब्लॉक डायग्राम फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 2 मार्क्स में।
ठीक है, कि ब्लॉक डायग्राम बताओ कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, लाइक इंफॉर्मेशन सोर्स है जिसके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने मैसेज सिग्नल के थ्रू सेंड कर दिया ट्रांसमीटर को, ये फ्लो कर रहा है चैनल के थ्रू, चैनल में अनवांटेड नॉइज हो सकता है, जब हमने सिग्नल को सेंड करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो कुछ नॉइज भी हो सकता है वहां पे। फिर चैनल से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कहां पे आ गया, रिसीवर के पास, और रिसीवर इस जो हमारे पास मैसेज सिग्नल था उसको रिसीव कर रहा है, और यूजर जो भी है वो लाइक इंफॉर्मेशन के लिए उसको यूज कर सकता है उस पर्टिकुलर लाइक मैसेज सिग्नल को, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर कुछ टर्म्स आए, लाइक मेनली ट्रांसमीटर है, चैनल है, नॉइस है, रिसीवर है, ये इंफॉर्मेशन कैसे सेंड करता है। तो ऐसे हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बेसिक जो टर्म्स हैं उनको हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर बेसिक टर्म्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में है इट कन्वर्ट्स ए मैसेज सिग्नल, फ्रॉम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनटू सुटेबल फॉर्म, फॉर ट्रांसमिशन ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसमीटर हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है फ्रॉम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू सुटेबल फॉर्म फॉर द ट्रांसमिशन ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसमीटर मैसेज सिग्नल को रिसीव कर रहा है, इसको कन्वर्ट करेगा एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेंड करने के लिए, ठीक है, चैनल के पास। अब ये जो सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास, ये हुआ ट्रांसमीटर, ठीक है, मतलब इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल को, तो हमारे पास ये हुआ ट्रांसमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास चैनल, चैनल में हमारे पास है इट इज मीडियम, दैट कनेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर सिग्नल इन ट्रांसमिशन चैनल प्रोग्रेसिवली। ट्रांसमीटर चैनल प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन लॉस। ठीक है, चैनल एक मीडियम है जो कि हमारे पास कनेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर सिग्नल। ठीक है,
ये जो चैनल है ये कलेक्ट कर रहा है एक तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से, और इस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर को। जब रिसीवर को सेंड करेगा तो एक तरह से हमारे पास चैनल के थ्रू जो भी मैसेज सिग्नल है वो पास कर रहा है, तो उसका जो जब वो पास करेगा लाइक, तो वहां पर हमारे पास डिक्रीज होगा लाइक ट्रांसमिशन लॉस होगा यहां पर एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। मींस यहां पर जब सिग्नल पास किया ठीक है, तो हो सकता है अनवांटेड कुछ लॉस हो वहां पर, तो जो ये अनवांटेड लॉस है हमारे पास, ये अनवांटेड लॉस हमारे पास होगा एक तरह से नॉइस ठीक है। तो जब एनर्जी एक तरह से ट्रांसमिट कर रहा है ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो एनर्जी का कुछ लॉस होगा, जो एनर्जी का लॉस है वो हमारे पास लॉस है ठीक है। तो जो एनर्जी का लॉस हो गया हमारे पास, अब ये जो पर्टिकुलर लॉस हुआ ये हमारे पास हो गया नॉइस, ये नॉइस किस में आया चैनल में ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीवर, रिसीवर इसमें है इट इज ए डिवाइस रिसीवर, इट इज ए डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। डेट इज सिग्नल फ्रॉम कम्युनिकेशन चैनल, सिग्नल फ्रॉम कम्युनिकेशन चैनल ठीक है। ये कैसे कैसे वर्क करता है फॉर द रिसीवर ट्रांसमीटर, इनके ब्लॉक डायग्राम्स हम फर्दर स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए हम बेसिक टर्म्स बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास उसको हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं ठीक है। रिसीवर डिवाइस है विच एक्सट्रैक्ट्स द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड क्या है ये हम भी स्टडी करेंगे, मींस एक सिग्नल को हमने ट्रांसमीटर से सेंड करना है रिसीवर को, तो चैनल के थ्रू हम उस पर्टिकुलर सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे, मींस उसका जो एम्पलीट्यूड है उसे हम इंक्रीज कर देंगे, और अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो लॉस होगा वो कम होगा। वो कैसे कैसे कम होता है उसको हम स्टडी करेंगे। अब मॉड्यूलेट किया हमने उसको सिग्नल को फॉर द कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पास करने के लिए, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन ऐसे पास कर रहा है ट्रांसमीटर टू चैनल, चैनल में नॉइस आ गया, अब ये फर्दर पास कर गया रिसीवर के पास ठीक है। तो हमने ये यहां पे स्टडी किया, अब हम चेक कर लेते हैं नॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास नॉइस, इसमें हमारे पास है अनवांटेड अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच टेंड टू डिस्टोर्ट विच टेंड टू डिस्टोर्ट ओरिजिनल सिग्नल एंड सोर्स ऑफ नॉइस इस फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अनवांटेड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच टेंड टू डिस्टोर्ट ओरिजिनल सिग्नल, जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है इसको जो डिस्टोर्ट कर रहा है ठीक है, मतलब एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास क्या हो गया नॉइस। ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यहां पर जनरली स्टडी किया ट्रांसमीटर को, देन चैनल,
और चैनल में फिर हमारे पास नॉइस आ गया, देन रिसीवर, और फिर यूजर फॉर इंफॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर यूजर उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, उसमें कुछ ओल्ड टर्म्स को हम स्टडी करते हैं। ये टर्म्स हमें हेल्प करेगा लाइक फर्दर ट्रांसमीटर, रिसीवर को फर्दर अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, तो बच्चों इनको, इन टर्म्स को वीडियो को पॉज करके एक एक करके नोट डाउन करते रहना। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और लाइक ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ में तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास ये हो गया नॉइस। हम फर्दर स्टडी करते हैं, एक हमारे पास ये टर्म है ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसमीटर नहीं है, ये जो टर्म है ये है ट्रांसड्यूसर। इस टर्म को हम चेक करते हैं, ट्रांसड्यूसर ये हमारे पास है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर जहां भी हम इसका यूज करेंगे, ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करेगा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास लाउड स्पीकर है, ठीक है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जो हमारे पास अब ये जो पर्टिकुलर जो डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, अब ये जो डिवाइस है ये होगा हमारे पास ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो हमने यहां पर ये चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फर्दर जो सिग्नल है अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सिग्नल होंगे। सिग्नल को हमने स्टडी किया, ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ सिग्नल हैं। एक है हमारे पास एनालॉग और नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल। ठीक है, इन दोनों सिग्नल्स को हम स्टडी करते हैं, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। एनालॉग जो हमारे पास कंटिन्यूअसली वोल्टेज और करंट चेंज कर रहा है, ऐसे जो सिग्नल्स होंगे वो होंगे एनालॉग। मतलब टाइम के साथ साथ वेरिएशन है इन द वोल्टेज एज वेल एज करंट। लाइक एग्जांपल्स, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, सेम एज इट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर ई इक्वल्स टू ई नॉट कोस ओमेगा टी, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो चेंज कर रहा है यहां पर, ऐसे सिग्नल्स क्या होंगे, एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है डिजिटल, ये हमारे पास सिग्नल्स होंगे जिनके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे, लाइक या तो ऑन स्टेट में या फिर ऑफ स्टेट में। लाइक हमारे पास घर में एक बल्ब है, स्विच ऑन है तो लाइट जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब तक स्विच ऑन है बल्ब ग्लो करेगा, बट जैसे स्विच ऑफ किया बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो डार्कनेस हो गया रूम में। तो ये जो सिग्नल है लाइक डिस्क्रीट वैल्यूज है, या तो जीरो है एक तरह से या फिर वन है। जीरो मींस लाइक या तो ऑफ स्टेट में है, वन मींस या तो ऑन स्टेट में है। जो ऐसे स्टेट में डिस्क्रीट वैल्यूज है जीरो वन, ये ऐसे सिग्नल्स होंगे डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसको, एनालॉग। इसमें है कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट। इसको हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन को। ये हमारे पास कोई सिग्नल है लाइक ये को वोल्टेज और टाइम की फॉर्म में। ये जो सिग्नल है टाइम के साथ साथ वोल्टेज के वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल
ये जो हमारे पास एक तरह से चेंज कर रहा है हर एक पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, ऐसे सिग्नल्स को हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल। इसमें हमारे पास है दो सिग्नल्स विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट, विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट, ओनली डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज लाइक जीरो फॉर लो एंड वन फॉर हाई, ठीक है। ऐसे जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास होंगे डिजिटल सिग्नल्स। सेम एज इट इज, इसमें भी लाइक हमारे पास कोई सिग्नल ऐसे है, ठीक है। तो जो सिग्नल है यहां पर हमारे पास वैल्यू हाई है, हाई मतलब ये वैल्यू हो गया हमारे पास वन। अब ये सिग्नल है, ठीक है, ये वैल्यू हो गया लो, फिर ये वैल्यू है, फिर से वैल्यू हो गया हाई। तो ऐसे सिग्नल्स जो हमारे पास है, ये जो सिग्नल्स होंगे ये हमारे पास होंगे डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स हमारे पास है डिजिटल सिग्नल, जिनके पास या तो ऑफ स्टेट में या फिर ऑन स्टेट में है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म एटेन्यूएशन, ठीक है। एटेन्यूएशन जो टर्म है इसको हम चेक करते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल विच प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम इज नोन एज एटेन्यूएशन, ठीक है। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल विच प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम इज नोन एज एटेन्यूएशन। एक सिग्नल है ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, सिग्नल है वो पास कर रहा है, तो जो लॉस होगा उसके स्ट्रेंथ में और वो फिर प्रोपोगेट कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर लॉस है वो हमारे पास होगा एटेन्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन इसमें है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज नोन एज एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कैसे इंक्रीज करेंगे। एम्पलीफिकेशन का मतलब है जो एक पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल है
इसके मैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दूं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, ये प्रोसेस हुआ एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज में है, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स एनी डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड, अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशियंट स्ट्रेंथ, ठीक है। रेंज लाइक एक मैक्सिमम डिस्टेंस, एक मैक्सिमम रेंज, जिस वैल्यू तक जो सिग्नल है उसको हम ट्रांसमिट कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट मच लॉस ऑफ द मैसेज सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, जो हम सेंड करेंगे लार्जेस्ट डिस्टेंस तक, वो पर्टिकुलर हमारे पास क्या होगा, रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है। तो हमने ये स्टडी किया रेंज को। नेक्स्ट है हमारे पास बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इसमें है, इट रेफर्स टू द, इट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज, इट रेफर्स टू द frequency range over which an equipment ठीक है, it is the refers to the frequency range over which an equipment works या operates, ठीक है। एक particular जो device है, equipment है, ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे वर्क कर रहा है, वो हमारे पास होगा बैंडविड्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलेशन। हमने एम्पलीफिकेशन चेक किया था, अब है हमारे पास है मॉड्यूलेशन। तो सेम एज इट इज वैसे ही, द ओरिजिनल, द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज, द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज और द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज इंफॉर्मेशन सिग्नल cannot be transmitted, cannot be transmitted up to a long distance, cannot be transmitted up to a long distance at the transmitter information contained in the low frequency message signal is superimposed on a high frequency carrier
वेव। एंड दिस प्रोसेस इज मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन इस प्रोसेस में हमारे पास है कि जो मैसेज सिग्नल है, जो पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास, कम है। जो मैसेज सिग्नल होगा उसके फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है। अब ये जो भी मैसेज सिग्नल या फिर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो एक कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांसमीटर में है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हम सुपर इंपोज कर देंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे। मतलब इस पर्टिकुलर जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है, इसको एक दूसरा वेव कैरी करेगा अपने साथ। अब ये जो दूसरा वेव अपने साथ मैसेज सिग्नल को कैरी कर रहा है, अब ये जो वेव है ये कैरियर वेव है, ठीक है, कैरियर वेव पे सुपर इंपोज करेंगे मैसेज सिग्नल को, ठीक है, ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइक कवर अप करे, अपने रेंज इंक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर सिग्नल का लॉस कम हो, ठीक है। अब हमारे पास जो ये प्रोसेस है कि मैसेज सिग्नल को सुपर इंपोज करना ओवर द कैरियर वेव, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास यहां पर जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, इनके थ्रू हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इंपोज कर रहे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे, और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये हमारे पास होगा मॉड्यूलेशन। मतलब हमने मॉड्यूलेट कर दिया उन पर्टिकुलर वेव्स को, ठीक है। ये कैसे कैसे है मॉड्यूलेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटर। इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमिशन। मतलब रिपीटर क्या हो गया, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ए रिपीटर picks up the signal, from the transmitter amplifies and retransmit it। रिसीवर एंड समटाइम्स विद अ चेंज इन कैरियर एंड समटाइम्स विद अ चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी। These are used for extend the range of communication system। ठीक है, और इनका हम यूज करेंगे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके रेंज को इंक्रीज करने के लिए रिपीटर्स का। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसमीटर से सिग्नल को पिक करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाइज करेगा और फिर से रीट्रांसमिट कर देगा टू द रिसीवर। और कभी कभी हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करेंगे, सेम एज इट इज मॉड्यूलेशन के जैसे। मतलब वहां पर मैसेज सिग्नल है, इसको सुपर इंपोज कर दिया ओवर ए कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। अब ये सिग्नल क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब हमने इस पर्टिकुलर सिग्नल को क्या कर दिया, मॉड्यूलेट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहां पर अब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ऑफ द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ये इसका नाम होगा हमारे पास रिपीटर।
ठीक है। तो हमने यहां पे स्टडी किया कि ये सब जो बेसिक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड ब्लॉक डायग्राम फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट है, उसको भी ड्रॉ कर लेना नोटबुक में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं।